हमें किसी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसका यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस लेते हैं, तो बी कंप्लीमेंट आएगा यू डिफरेंस बी, ठीक है। तो बी कंप्लीमेंट मैंने फाइंड करना है, यू हमारे पास सेट क्या है 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 20 डिफरेंस। बी सेट है हमारे पास 2, 4, 6 इवन नंबर्स का सेट है, 2, 4, 6 सो ऑन अप टू 20 इवन नंबर्स है 20 तक। हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें इवन और ऑड दोनों नंबर्स हैं, जो बी सेट है उसमें जस्ट इवन नंबर्स हैं और जो हमारे पास ए सेट है उसमें जस्ट ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि बी कंप्लीमेंट फाइंड करें, बी कंप्लीमेंट जो है वो यू डिफरेंस बी के इक्वल है, यू डिफरेंस बी मैंने लिख लिया। अब हमने यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में ना हो, ठीक है। तो अब बी हमारे पास जो सेट है उसके अंदर सारे इवन नंबर्स हैं, इसका मतलब है 1 से 20 तक हमने सारे इवन नंबर इसमें से निकाल देने हैं, मतलब वो नहीं लिखने, तो पीछे क्या बचेंगे ऑड नंबर्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 1, 3, 5, 7 सो ऑन अप टू 19, लास्ट ऑड नंबर इसका क्या है 19। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आई, आप ऐसे देख लें कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 से 20 तक सारे नंबर्स हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इस सेट में 1 नहीं है तो हम 1 लिख देंगे, 2 इस सेट में है तो वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि यू डिफरेंस बी में हम यू के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो तो इसमें ना हो। तो देखें 1 इसमें नहीं है वो लिख दिया, 3 इसमें नहीं है वो लिख दिया, 5 इसमें नहीं है वो लिख दिया, 7 इसमें नहीं है वो लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको वैसे इस तरह भी कर सकते हैं, या वैसे आप देख लें कि यहाँ इसमें जो है वो इवन और ऑड नंबर्स दोनों हैं, तो जब इवन और ऑड नंबर इसमें दोनों हैं तो इसमें से मैं इवन नंबर्स माइनस कर दूँ या निकाल दूँ उसमें से, तो पीछे क्या बचेंगे ऑड नंबर्स। तो बी कंप्लीमेंट जो हमारे पास सेट आया, अब देखें बी कंप्लीमेंट जो सेट आया वो ए सेट के इक्वल ही आया, देखें ए सेट हमारे पास यही था ऑड नंबर्स का सेट, तो ये बी कंप्लीमेंट जो था वो किसके इक्वल आया, ये किसके इक्वल आया ए के इक्वल, तो वो हमारे पास क्या थी राइट हैंड साइड। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने यही प्रूव करवाना था कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है बी कम्प्लीमेंट वो ए आए, तो बी कम्प्लीमेंट मैंने फाइंड किया तो वो ए सेट आया, हमने प्रूव करवा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें हमने बोला है कि प्रूव करें जो ए कम्प्लीमेंट है वो बी सेट के इक्वल है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए कम्प्लीमेंट, अब ए कम्प्लीमेंट किससे इक्वल आएगा यू डिफरेंस ए के, यू सेट हमारे पास क्या था 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 20 डिफरेंस ए, ए सेट हमारे पास था इवन नंबर्स का सेट, सॉरी और ए सेट जो था वो ऑड नंबर्स का सेट था 1, 3, 5, 7 सो ऑन अप टू 19, ठीक है। अब देखिए ये 1 से लेके 20 तक सारे नंबर्स हैं और उसमें से हमने निकालना क्या है ऑड नंबर्स, हमने उसमें से एलिमिनेट कर देने हैं माइनस कर देने हैं, तो पीछे क्या बचेंगे सिर्फ इवन नंबर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 4, 6, 8 सो ऑन अप टू 20, ठीक है। जैसे आप वैसे देख लेंगे, ये देखिए 1 इसमें है इसमें भी है तो वो नहीं लिखा, 2 इसमें है इसमें नहीं है तो वो लिखा, 3 इसमें है इसमें नहीं है वो सॉरी इसमें भी है इसमें भी है इसलिए वो नहीं लिखा, उसके बाद देखें 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है वो लिखा, तो हमने डिफरेंस में कौन से एलिमेंट्स लिखने होते हैं फर्स्ट वाले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो सेकंड में ना हो, तो इवन नंबर्स वो नंबर्स थे जो इस सेट में नहीं थे, तो मैंने वो सारे इवन नंबर्स यहाँ पे लिख लिए। अब देखें ये जो सेट आया हमारा ये किसके इक्वल है बी सेट पे, बी सेट हमारा यही वाला था, तो इसका मतलब है कि जब हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड किया तो किसके इक्वल आया बी के, ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है ए डिफरेंस बी हमने फाइंड करना है, तो ए के इक्वल हमें प्रूव करवाना है कि अगर हम ए डिफरेंस बी फाइंड करें तो वो ए सेट के इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए डिफरेंस बी, अब ए डिफरेंस बी ए डिफरेंस बी देखिए हमने फाइंड करना है, तो ए सेट हमारे पास क्या था 1, 3, 5, 7 सो ऑन अप टू 19 डिफरेंस, डिफरेंस के लिए हम ये भी साइन यूज़ करते हैं और ये भी, दोनों में से कोई भी यूज
कर लें, ठीक है। डिफरेंस बी साइड हमारे पास है 2, 4, 6 सो ऑन अप टू 20, ठीक है। अब देखिए हमने क्या डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो अब देखिए ए के सारे एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो बी में नहीं है। ए के कितने सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ऑड हैं और बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इवन हैं, तो ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं डिफरेंस में ए के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो बी में ना हो, तो ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, तो इसका मतलब है पूरा ए सेट इसमें आ जाएगा। तो ए डिफरेंस बी हमारे पास क्या आया 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन अप टू 19। अब देखें ये 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर्स का सेट जो था वो कौन सा था हमारे पास, ए सेट था। इसका मतलब हमने जो ए डिफरेंस बी फाइंड किया वो किसके इक्वल आया, ए के इक्वल। तो ए हमारी राइट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करवा दिया। हेंस प्रूफ्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर इसका 4 का 4th पार्ट है हमारे पास, बी डिफरेंस ए बी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, क्या है हमारे पास बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए कैसे फाइंड करते हैं, बी लिखेंगे, बी था हमारे पास 2, 4, 6, 8 सो ऑन अप टू 20, ठीक है। डिफरेंस ए सेट हमारे पास है 1, 3, 5, 7 सो ऑन अप टू 19, ठीक है। अब देखिए हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है। बी डिफरेंस ए से हम कैसे फाइंड करेंगे, बी डिफरेंस ए में हम क्या करेंगे, बी के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो वो आएंगे। तो अब देखें बी का कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें मौजूद हो, बी के सारे एलिमेंट्स जो है वो इवन है और ए के सारे एलिमेंट जो है वो ऑड है, तो बी का कोई भी एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है। जैसे हमने इसके थर्ड पार्ट में किया था, ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं था तो हमारा ए सेट जो है वो आंसर में आ गया था। अब देखें बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है तो पूरा का पूरा बी सेट एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखें हमारे पास आंसर में जो सेट आया, बी डिफरेंस ए का जो आंसर आया वो क्या आया, बी सेट आया। तो हमारी राइट हैंड साइड यही थी कि हमने बी डिफरेंस ए जो है वो बी के इक्वल प्रूफ करवाना है, तो हमने प्रूफ करवा दिया। हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।